टेंजेंट टू ए सर्किल, ये टर्म टू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किल का, एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। तो जो बच्चे टर्म टू का एग्जाम दे रहे हैं तो एक नज़र इस पे डाल के जाए, देखिए क्या होता है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन ऑफ द सर्किल, सर्किल के प्लेन पे एक टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होता है। विच टच द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है। टेंजेंट टू ए सर्किल थ्योरम, टेंजेंट और सर्किल के थ्योरम क्या है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हो गया आपका रेडियस और ये हो गया टेंजेंट, ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया। और जहाँ टेंडेंसी पॉइंट पे जो टेंजेंसी पे टच कर रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। टेंजेंट थ्योरम क्या है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट के बीच में थ्योरम ये है कि द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री, जो एंगल बनेगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में वो 90 डिग्री बनेगा। कहाँ बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे, ठीक है। और टू टेंजेंट थ्योरम क्या है, अगर किसी सर्किल पे दो टेंजेंट खींचा जा रहा है और पॉइंट एक ही है, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ से ड्रॉन किया जा रहा है टेंजेंट को, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये जो टेंजेंट है ये दोनों की जो लेंथ होगी ये बराबर होगी, समझ गए, यही थ्योरम था। टेंजेंट विच मीट्स एट द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट जो मीट कर रहा है सेम पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो वो इक्वल इन लेंथ, इनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोटे वीडियो में ला के इसको क्लियर कर दिया। ये आपको प्रूफ करने का भी रहता है कि टेंजेंट जो है, प्रूफ डेट टेंजेंट विच मीट एट द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इसको प्रूफ भी करना रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच।